दिल्ली दे सिखां वल्लों इस वेले यूपीए चेयरपर्सन अते कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी दे घर दे बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। वड्डी गिणती विच सिख इस वेले सोनिया गांधी दे घर दे बाहर इकट्ठे हो गए ने अते ओह अदालत वल्लों सज्जन कुमार नूं बरी किए जाण दे खिलाफ मुजाहरा कर रहे ने। हालांकि बेहद सख्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए ने पर सिख अपने कहे अनुसार मुजाहरा करन विच कामयाब हो गए ने। सीधा दिल्ली तो साढ़े पत्रकार रशपाल दसगोत्रा नाल गल करते हैं जिहड़े दिल्ली विखे इस वेले सोनिया गांधी के घर के बाहर मौजूद ने। रशपाल, ताज़ा स्थिति की है, की चल रहा है उत्थे सोनिया गांधी के घर के बाहर? जी सुप्रीत, इस मौके जी स्थिति है थोड़ी कंट्रोल च लग रही है क्योंकि पहले तो जे जब प्रोटेस्ट शुरू होया तो तीन बैरीकेड्स जे लाए गए सी, वो क्रॉस करके प्रोटेस्टर जे ने ऑलमोस्ट 10 जनपद जितों सोनिया गांधी के घर का रस्ता है उत्थे आके सारे इकट्ठे हो गए से। हुण थोड़ा जा पिछे किया गया है और बैरीकेड्स जे ने नवे बैरीकेड्स लाए गए ने, नवी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है कि जे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग उन्होंने अगे नहीं आन दिता जाए, प्रोटेस्ट अजे जारी है। जी रशपाल, कल तिलक नगर थाने दे उत्थे भी इन्होंने प्रदर्शन किया, सिख भाईचारे के लोगों ने, पीड़ित परिवारों ने, 1984 के कतलेआम के पीड़ित परिवारों ने, पर पुलिस ने जी ज़्यादा सख्ती जी कल दिखाई नहीं सी, कि आज पुलिस वालों ज़्यादा सख्ती देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखो कल जिस तरीके का इंतजाम रहा उस मैट्रो जी सर्विस थी वो भी हॉल्टेड रही और पुलिस की जी एक्शन सी वो भी माइल्ड देखी जा रही थी क्योंकि अज का जोड़ा एरिया है, कल जोड़ा एरिया से वो ऐसा एरिया से जोड़ा इना जिथे सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज ज़्यादा नहीं सी, लेकिन अज एक ऐसा एरिया जोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत ही सेंसिटिव एरिया न्यूटन स्टोन विच प्रोटेस्ट हो रहा है। इतने जोड़े इंस्ट्रक्शंस ने पुलिस नू वो यही हैं कि वो ज़्यादा जी नरमी है वो नहीं वरतन और लोगों नू कोशिश करन कि जोड़े प्रोटेस्टर्स ने वो जोड़े इतने VIP लोग रह रहे हैं उन्होंने जी सुरक्षा है वो इंश्योर की जाए। रशपाल, केड़े केड़े अकाली दल दे आगू जड़े उथे मौजूद ने? देखो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जोड़े सीनियर लोग ने, जिस तरह दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रेजिडेंट मनजीत सिंह जीके और उन्होंने जनरल सकत्र जोड़े सिरसा हैं और बाकी जी टीम है वो सारी की सारी उत्थे दिल्ली यूनिट की टीम जी ऑलमोस्ट उत्थे, लेकिन उन्होंने नाल काफ़ी तादाद जोड़े विक्टिम हैं 1984 के वो भी उन्होंने नाल ने और जथेबंदियां भी उन्होंने नाल आईया ने, इस करके जोड़ा अज प्रोटेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में देखने मिल रहा है और ज़्यादा एग्रेसिव देखने मिल रहा है। रशपाल, गुस्से में आए सिखा रोकने लिए की सरकार वालों कोई गलबात की पेशकश की गई है? देखो नॉर्मली जोड़ा प्रोटेस्ट से कल ही प्लैन हो गया से, कल इन्हों की तरफों कोई कोशिश भी नहीं की गई पुलिस की तरफों के इन्हों रोकया जाए क्योंकि उन्होंने पता सी, पुलिस को पता सी कि ये जोड़ा प्रोटेस्ट इन्होंने प्लैन किया वो करना है, लेकिन यह सगा कि सवेरे जोड़ा प्रोटेस्ट से वो 11 बजे से 11 तो इन्होंने थोड़ा डिले करता प्रोटेस्ट 11:30 बजे के करीब करता क्योंकि पुलिस का अज जी डिप्लॉयमेंट है वो थोड़ी अलग तरीके नाल हो गई है। जिस तरीके नाल सरबजीत दा कल उत्थे जिना हॉस्पिटल च डेथ हो गई है उसके कारण सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट दिल्ली विच अलग अलग जोन की गई है कि उस रिलेटेड प्रोटेस्ट भी रोके जान, तो इस करके ये जरा प्रोटेस्ट है वो थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन जी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है इतने वो भी पैरामिलिट्री फोर्सिस को ज़्यादा डिप्लॉय किया गया, लेकिन ये एफर्ट नहीं किए गए कि इस प्रोटेस्ट को रोकया जा सके। रशपाल, की किसी होर थान से अजिही रिपोर्ट हैगी है कि उत्थे भी धरना प्रदर्शन दिल्ली के किसी होर थान से देखने को मिल सकता है? अज नहीं, बिल्कुल अजे तक तो किसी ने किसी तरीके का कोई कॉल नहीं दी है प्रोटेस्ट की, लेकिन अज इन्हों का प्रोटेस्ट से दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का श्रोमणी अकाली दल बादल का, तो सारी कंसनट्रेशन सारे ग्रुप्स की इन्हों के नाल ही है क्योंकि स्ट्रैटेजी रही है जद सज्जन कुमार की जजमेंट आई है 1984 के केस कि जोड़े प्रोटेस्ट ने वो कंसोलीडेटिड किए जा रहे हैं और सारे जोड़े ग्रुप ने जिन्नी भी जथेबंदियां ने वो मिलकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। रशपाल, जिस तरह की तुसीं दस्सिया कि सोनिया गांधी जिही शख्सियत की जिहड़ी सुरक्षा वो बहुत ही मायने रखती है, कि अज सिखां दे उत्ते डंडा वराया जा सकता है?
देखो अजे तक तो जिहड़ी सिचुएशन है वो कंट्रोल की कर रही है पुलिस। अगर इन केस ऐसी सिचुएशन आती है कि जिहड़े लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कंट्रोल तो बाहर हो जाते हैं तो डंडा भी बरसाया जा सकता है। हालांकि इंतजाम ये भी हैं कि उत्थे टीयर गैस शैल भी जड़े ने वो भी रखे गए हैं, वाटर कैनन भी रखी गई है, लेकिन अजे तक यह जी सिचुएशन लगता नहीं कि राइज हुए। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो पुलिस ने वो जड़े ऑप्शंस ने वो ओपन रखे हुए हैं। रशपाल, इस पूरे जड़ा आज प्रदर्शन किया जा रहा है सोनिया गांधी के घर के बाहर, इसका पूरे मामले पर कितना को असर पैंदा दिख रहा है? देखो जिस तरीके नाल ये प्रोटेस्ट शुरू हुए ने, जिस दिन कड़कड़ दुमा अदालत विच जजमेंट आई है उस दिन कड़कड़ दुमा अदालत दे विच प्रोटेस्ट होना, उसके बाद तिलक नगर थाने दे बाद बाहर प्रोटेस्ट होना और आज सोनिया गांधी दे घर दे अगे प्रोटेस्ट होना, कितने कितने एक इंपैक्ट जरूर क्रिएट करता है कि जिस तरीके की ये जजमेंट आई है उस तरीके नाल लोग खुश नहीं है इस जजमेंट नू लैके। और अगे स्ट्रैटेजी इन्हां दी यह भी है कि यह जिहड़ा प्रेशर है और ज्यादा डेवलप किया जाएगा। और कल इन्होंने श्रोमणी अकाली दल बादल ने यह भी प्लान किया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर के अगे भी प्रोटेस्ट करेंगे। ये कितने कितने स्ट्रैटेजी जी है ये प्रेशर डेवलप करन दी है कि सज्जन कुमार नू जिहड़ा है वो पार्टी दे विच जिहड़ी उहदी पोजीशन है उहनू माइल्ड किया जाए और दूजा ये कि एस आई टी जी है वह बनाई जाए जी पूरे मामले नू दोबारा नाल एक बार इन्वेस्टिगेट होए पूरे का पूरा। रशपाल बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी दे लई। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदी भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।